नमस्कार साथियों, प्रशासनिक गुरुकुल के सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। वेयर वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन विच माइट कम इन योर ईपीएफओ यूपीएससी एग्जामिनेशन। संभावित प्रश्नों की श्रृंखला की इस कड़ी में आप देखेंगे कि ना सिर्फ ईपीएफओ पर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी द्वारा जो कंडक्ट की जाती है, वहां पे भी जो प्रश्न आएंगे कहीं ना कहीं हमारे इस चर्चा की कड़ी से हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांस फैट। नंबर 1, ऑल नेचुरल फैट एंड ऑयल कंटेन ट्रांस फैटी एसिड। सेकेंड, ट्रांस फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। थर्ड, ट्रांस फैट आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड थ्रू प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। फोर्थ, आर्टिफिशियली जनरेटेड ट्रांस फैट आर हार्मफुल फॉर कंजम्पशन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओनली 4, ओनली 1, सी 1, 2 एंड 3, डी नन। सी, लेट्स डिस्कस इट एंड व्हाई दिस क्वेश्चन शैल कम इन योर एग्जामिनेशन। अगर मैंने आपको संभावित प्रश्नों की सूची में यह प्रश्न दिया है तो इसका कारण है कि आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन में या फिर ईपीएफओ एग्जामिनेशन में आएगा। देखिए, WHO ने 2023 को डिक्लेयर किया है कि ट्रांस फैट जो इडेबल ऑयल्स में होते हैं उससे पूरी तरह एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो ये कारण है कि ट्रांस फैट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ट्रांस फैट दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। जो आपका नेचुरल ट्रांस फैट होता है वो मूलतः या मेनली इट कम्स फ्रॉम रूमेंट, दैट मींस कॉ एंड शीप, मेजरली यहां से आता है घी, ठीक है, बटर, उसके थ्रू। दूसरा आर्टिफिशियल जो होता है वो जो आपका वेजिटेबल ऑयल होता है उसको दानेदार बनाने के लिए, सेमी लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए हाइड्रोजन ऐड किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो उसकी वजह से आर्टिफिशियली ट्रांसफैट होता है। जो नेचुरल ट्रांसफैट होता है वो आपकी बॉडी के लिए लाभकारी है, इट्स बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बट आर्टिफिशियल ट्रांसफैट इज समथिंग विच लीड्स टू इंक्रीज इन बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल की वजह से है और चारों स्टेटमेंट सही है। व्हाई ट्रांसफैट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, उसका रीजन है WHO 2023 को एलिमिनेशन ऑफ ट्रांसफैट फ्रॉम इडेबल ऑयल, बेक्ड फूड, चिप्स खत्म करना चाहता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बिफोर वी मूव यू शुड पॉज द स्क्रीन एंड गो थ्रू दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज वेरी वाइटल फॉर योर एग्जाम। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फसाई दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। सी अगेन आई हैव टोल्ड यू कि फसाई के ऊपर क्वेश्चन क्यों होगा। देखिए, फसाई विल बी इंप्लीमेंटिंग दैट WHO टारगेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ट्रांस फैट फ्रॉम इडेबल ऑयल, बेक्ड फूड, चिप्स, वॉट एवर इज अवेलेबल इन द मार्केट। बट द इशू इज फूड सप्लाई कम्स अंडर स्टेट, सो दे कैन ओनली प्रोवाइड गाइडलाइन, और ये सेंट्रल एजेंसी है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाईज एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम यू मे गेट कन्फ्यूज दैट इट विल बी आइदर दिस और दिस। सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, एंड आई हैव टोल्ड यू बिकॉज ऑफ दैट ट्रांस फैट इशू फसाई से एक क्वेश्चन आएगा और फसाई से एक दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंसीडर दिस विथ रिगार्ड टू आई गॉट कर्मयोगी। नंबर 1, इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर हेल्पिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू अपग्रेड द स्किल। सेकेंड, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट पीपल सेंट्रिक अप्रोच, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। सी वाई दिस क्वेश्चन विल कम, आई गॉट कर्मयोगी इज एक्चुअली एन ऑनलाइन पोर्टल एंड इट इज मेंशनड इन योर बजट स्पीच, ओके, और ये मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है। साथ ही साथ इसको इवेलुएट करने के लिए जो सिविल सर्विसेज में आपके लोग हैं जिनका अपग्रेडेशन ऑफ स्किल होगा, उसको इवेलुएट करने के लिए भी एक कमेटी का निर्माण हुआ है। वो कमेटी चीफ सेक्रेटरी द्वारा हेडेड होगी, दैट इज द रीजन इट मे कम अप। वॉट इज सरप्राइजिंग इट, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट पीपल सेंट्रिक अप्रोच, यस, ये आपको याद होना चाहिए। बजट भी जो आया है उसमें यही दो लाइन मेंशन है, तो संभवतः इफ देयर इज ए क्वेश्चन दीज टू लाइन विल कम बिकॉज दीज आर बेस्ड डॉक्यूमेंट विच गोज टू द पीपल दोज हु आर इनटू दैट वेरी टीम जो क्वेश्चन सेट करती है। ठीक है, बेस्ड डॉक्यूमेंट आपका एनसीईआरटी होता है, बजट होता है, इकोनॉमी सर्वे होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी के डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोडल एजेंसी फॉर पीएम प्रणाम। देखिए, पीएम प्रणाम का तो पहले आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, क्या है, आर से पी से प्रोग्राम है, आर से रिस्टोरेशन है। ठीक है, रिस्टोरेशन है, मैंने जानबूझ करके नीचे दे दिया है ताकि आप याद रखें, रिस्टोर है, फिर अवेयरनेस है, ठीक है,
अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर क्या है नरिशमेंट, ठीक है नरिशमेंट, फिर क्या है एमिल्यूरेशन, ठीक है एमिल्यूरेशन ऑफ हूम मदर अर्थ, ठीक है। तो पहले तो ये याद रख लीजिए, और इस प्रोग्राम में है क्या वहां से क्वेश्चन आएगी, तो मैं इसमें डिस्कस करना चाहता था। तो इस प्रोग्राम में है क्या जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आएगा इस प्रोग्राम से, देखिए पहली चीज इस प्रोग्राम में नोडल एजेंसी है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है। अब ये प्रोग्राम है क्या, देखिए एक्चुअली क्या होता है खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा लागत होती है फर्टिलाइजर की, और सबसे कम जो होता है वो मार्च एंड अप्रैल के समय फर्टिलाइजर की लागत होती है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर साइकिल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जायद का टाइम है आपका अप्रैल और मार्च, ठीक है। तो उस समय डिपार्टमेंट जो है वो बताता है अपना एस्टिमेट कि कितना फर्टिलाइजर खर्चा हो सकता है, ठीक है। अब 2016 से लेके अब तक अगर हम देखें 2022 तक, तो जो हमारी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है फर्टिलाइजर में ना, उसमें ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ हो चुका है। दैट मींस गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे बहुत ज्यादा भार पड़ रहा है, तो ये इसके लिए कोई अलग से फंडिंग नहीं आ रही है। इसमें क्या करना है, इसमें करना यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, अपने यहां अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स या अल्टरनेट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगी, जिसके कारण केमिकल फर्टिलाइजर का यूटिलाइजेशन कम होगा। मान लीजिए इसके पास आता था 1000 रुपए की सब्सिडी, ठीक है, पर इसने 500 रुपए का ही सिर्फ फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया, इसने बताया कि अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या होगा। पहली बात, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर बंद होना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हो गया है, अनसस्टेनेबल हो गया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर हो रहा है, पॉल्यूशन ऑफ लैंड हो रहा है, लोग कैंसर पेशेंट बन रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट क्या करेगा, ये एक तो पहले अवेयरनेस फैलाएगा कि कितना आपको केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना है, ठीक है। अवेयरनेस के साथ फर्टिगेशन की टेक्नोलॉजी भी बताएगा। फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजर को पानी में मिला करके फिर इरिगेट करना, उससे फर्टिलाइजर रीडली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट रूट के द्वारा और एक्सेस की जरूरत नहीं होती है। दूसरा ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा आप सॉयल मल्चिंग करो, ठीक है, एरेशन टेक्निक यूज करो, या फिर जो परंपरागत खाद्य व्यवस्था है वो लाओ, वर्मी कंपोस्ट यूज करो, ठीक है, बायो वेस्ट को यूज करो। तो उसको करने से अगर इसने अपनी सब्सिडी में सर्टेन अमाउंट बचा लिया, मान लो 500 रुपए बचाए, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, तो 500 रुपए का जो आधा होगा मूल्य वो इस स्टेट को ट्रांसफर हो जाएगा। इससे स्टेट क्या करेगा, इसके 70% मतलब ₹250 का जो 70% है उसको यूज कर सकता है ये अल्टरनेट फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी के लिए या अल्टरनेट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये एक तरह का इनिशिएटिव है, ये पूरा का पूरा आपका पीएम प्रणाम के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे में पूरा डिटेल डाला हुआ है, ठीक है। इसको सितंबर 2022 में डिस्कस भी किया गया था और इस समय बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है। तो आपको पीएम प्रणाम से तो मेंस में सवाल होंगे ही, अगर आप सिविल सर्विसेज का दे रहे हैं ईपीएफओ में भी क्वेश्चन आ सकता है, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, क्योंकि टेक्निकलिटीज है तो आपको समझना है। इसका जो फुल फॉर्म है वो थोड़ा डिफिकल्ट है तो उसे भी रट लें, बाकी भी जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें भी आ सकता है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5C। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, क्यों आएगा अभी आपको पता चल जाएगा। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज टू बी नोटिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। देखिए ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ना, इसको नोटिफाई किस एक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है और ये क्रेडिट क्यों प्रोवाइड की जा रही है। ये क्रेडिट इसलिए प्रोवाइड की जा रही है कि जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट हों उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, ठीक है, उनको बढ़ावा दिया जाए। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, कॉम्पा इससे बना हुआ है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो लोग कंफ्यूज कर लेंगे जो ज्यादा पढ़े हुए हैं। आंसर इसका ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी नहीं है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ये भी नहीं है। इसका सही आंसर है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इसी एक्ट के अंदर नोटिफाइड हुआ है। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है और इसी फॉर्मेट में दे सकती है यूपीएससी, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये एक संभावित प्रश्न है, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लें। व्हाट इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, अंडर दिस द गवर्नमेंट विल इंसेंटिवाइज द कंपनी इंडिविजुअल एंड लोकल बॉडीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनीज इंडिविजुअल एंड लोकल बॉडीज टू अडियर टू सस्टेनेबल प्रैक्टिस अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसको अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने सब चीजों को एक जहां ले लिया है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पॉज इट, ऑब्जेक्टिवली पढ़िए। आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स का सुनते हैं कि आपको कैसे ऑब्जेक्टिवली याद रहेगा तभी प्रीलिम्स में निकलेगा, कोई बताता नहीं है। ये सब जो मुख्य बिंदु है ना, यूपीएससी आपको यहीं पर पकड़ती है, कंपनीज इंडिविजुअल लोकल बॉडीज कौन से एक्ट। आप अगर इस पद्धति को पकड़ लिए तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा और ईपीएफओ में तो मेंस भी नहीं है, डायरेक्ट आप इंटरव्यू में चले जाएंगे, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर,
क्वेश्चन नंबर सिक्स, कंसीडर द फॉलोइंग। नंबर वन, 5G इज नेक्स्ट जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजी, विल हैव अल्ट्रा लो लेटेंसी। नंबर टू, Wi-Fi 6 इज द सिक्स्थ जनरेशन Wi-Fi, विच विल यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी टू सेंड सिग्नल्स बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है, इस चीज को पढ़ें। अल्ट्रा लो लेटेंसी, इसका मतलब क्या है? लेटेंसी का मतलब होता है डिले, और 5G में क्या होगा? डिले बहुत कम होगा। और 6G कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है? रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर पहले भी UPSC ने सवाल दिए हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी मूलतः सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइस यूज करते हैं। आपका मोबाइल फोन यूज करता है, कंप्यूटर यूज करता है, वाईफाई यूज करता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखें। और रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम अपने साइंस एंड टेक वाले सीरीज में भी क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, इसका सही जवाब है बोथ 1 और 2। ठीक है, सिक्स्थ जनरेशन जो है ना, उसके बारे में इंडिया खुद सोचना शुरू कर लिया है, सेल्फ डिक्लेयर करके। अभी वर्ल्ड में ज्यादा लोग नहीं सोच रहे हैं, पर इंडिया स्टार्ट कर दिया है, तो यहां से भी एक संभावित प्रश्न बन सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 7। इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोगों को। कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मैनग्रूव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। नंबर वन, मिस्टी कॉल्स फॉर कन्वर्जेंस ऑफ मनरेगा एंड कॉम्पा फंड्स। ठीक है, सेकंड, अंडर इट मैनग्रूव प्लांटेशन विल बी अंडरटेकन अलोंग द कोस्ट लाइन एंड ऑन सॉल्ट पैन आइलैंड। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहले आप देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ते साथ यहां पे घेरा लगा दीजिएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट नहीं बताना है। ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और कॉम्पा कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी फंड। ठीक है, तो जो मैनग्रूव है ना, ये एक्चुअली हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। सुनामी जब आया था 2004 में, तब हमें पता चला, अदरवाइज इसे समझा जाता था बेकार का जंगल, पर इससे फायदा होता है, इकोलॉजिकल सर्विस ट्रिमेंडस देता है। ठीक है, पर फार्मर्स क्या करते हैं कि मैनग्रूव्स के एरिया को काट करके वहां पे फिशरी पॉन्ड्स बना देते हैं, इसकी वजह से भी काफी लॉस होता है। दूसरा है, सेटलमेंट्स हो जाते हैं वहां पे, इसकी वजह से भी होता है। सॉल्ट की खेती होती है, इसकी वजह से होता है। ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, पोर्ट का काम चल रहा होता है, उसकी वजह से भी होता है। देखिए, भारत में मैनग्रूव है ना 9 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है, 9 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी सबसे ज्यादा आपका वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में आपका सुंदरवन है। ठीक है, सुंदरवन जो है वो अगर वेस्ट बंगाल में देखें तो सिर्फ 40% है, 60% बांग्लादेश में है। ठीक है, इसके बाद भीतर कनिका है आपका उड़ीसा में, फिर आपका कोरिंगा है, फिर पिचावरम है, फिर वेम्बनाड है, फिर आपका कर्नाटक में भी है, उसके बाद आपका एरोली है, गुजरात है, और नॉर्थ अंडमान में अच्छे खासे मैनग्रूव हैं। तो टोटल आपको पता चल गया कि आपके टोटल 8 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी हैं जहां पे मैनग्रूव बड़ी संख्या में है। और स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत मैनग्रूव का जो संख्या है ना, स्प्रेड है ना, वो बढ़ा है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। और मैनग्रूव में कॉम्पा, यस, इसका कन्वर्जेंस है, इसका भी है, क्यों है हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैनग्रूव्स को फिश बोन टेक्निक के साथ प्लांट किया जाएगा। फिश बोन टेक्निक क्या होता है? ये रहा मछली का रीढ़ और ये रहा बाकी बोन्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका समंदर का पानी है हाई टाइड का, वो भी आना चाहिए, और इसमें फिर जो हम पानी दे रहे हैं बाहर से, जो कि एक्चुअली आपका क्या होता है, स्वीट वाटर होता है, वो भी, मतलब खारा पानी और स्वीट वाटर दोनों मिलना चाहिए, क्योंकि ये ब्रैकिश वाटर का जीव है। ठीक है, ये सेलीन वाटर का नहीं है, यहाँ पे डेल्टाइक रेंज में होता है। भीतर कनिका जो है, जो भीतर कनिका है वहां पे लगभग 4 नदियां हैं, बैतरणी, ब्रह्माणी, धामरा। ठीक है, वहां पे 4 नदियां हैं, और आपका सुंदरवन भी ह्यूज डेल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरह का पानी मिलना चाहिए, तो इसको कहते हैं फिश बोन टेक्निक। याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है, फिश बोन टेक्निक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्या है, मैनग्रूव्स कंजर्वेशन। दूसरा है क्या है, जब यहाँ पे मैनग्रूव्स लगाते हैं तो जो उसके सीड्स या सैपलिंग होते हैं ना, उसको बचने का चांसेस सिर्फ 50-60% रहता है। सीड्स है तो 50%, सैपलिंग है तो 60%। तो इसमें लोकल कम्युनिटी का अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा ना, तो एक बार लगा करके गवर्नमेंट छोड़ देगी तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो लोकल कम्युनिटी मस्ट बी पेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एंड दैट इज व्हाई इट इज टॉकिंग अबाउट टैंजिबल इनकम। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट क्या है, नन। सॉल्ट पैन भी होता है, मैंने आपको बताया, मैनग्रूव्स को हटा करके सॉल्ट बनाया जाता है। आप में से कोई मुंबई से अगर नवी मुंबई जाएगा तो एरोली एक जगह होती है जहां पे काफी मैनग्रूव्स हैं, पर वहां पे सॉल्ट पैन भी हैं, तो वो सॉल्ट पैन मैनग्रूव्स को डिस्ट्रॉय करके बने हैं। सॉल्ट पैन क्या होता है, जहां पे नमक की खेती हो रही होती है। ठीक है, तो आंसर है नन। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट इन संघाई 5। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए आएगा क्योंकि G20 और वासेनार अरेंजमेंट के साथ साथ SCO की जो सदारत है, जो प्रेसिडेंसी है, दिस टाइम इट इज विद इंडिया। तो संघाई 5 में रशिया, चाइना, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, उज्बेकिस्तान लेट से ज्वाइन किया था, मतलब संघाई 5 में नहीं है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में इसकी सदस्यता ग्रहण की थी, ठीक है। बाकी ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इनके कैपिटल देख लीजिएगा, अस्ताना का नाम बदल के नूर सुल्तान हो चुका है, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर इज IQAIR, IQAIR ये स्वीडिश कंपनी है, न्यूज में थी, ठीक है। इंडिया टॉप जो 10 पॉल्यूटिंग कंट्रीज है उसमें से एक है, ठीक, और ये आप डेटा ले सकते हैं, कोट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। और चूंकि इसके ऊपर काफी न्यूज में आया था तो मैंने ये डाल दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन इज अप टू व्हाट रुपी अमाउंट, ठीक है। अब देख लीजिए, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है, इसको स्पेशली मेंशन किया गया है, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो ये शॉर्ट टर्म लोन है, इंटरेस्ट सबवेंशन शॉर्ट टर्म लोन में दिया जाता है। सबवेंशन क्या है कि अगर आपने रीपेमेंट किया है ना लोन का जल्दी जल्दी, तो आपको गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट रेट लगाई है उसको थोड़ा कम कर देगी, ठीक है। तो इसमें 3 लाख रुपया तक का लोन मिलता है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट 7 होता है। पर अगर आपने रेगुलरली पे किया है तो ये इंटरेस्ट 7 से घट के 4 हो जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह का सब्सिडाइजेशन है, गवर्नमेंट आपको कम रेट पर पैसा मुहैया कर रही है। क्यों? क्योंकि किसान शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है, तो किसके लिए ले रहा है? सीरियल्स के लिए रहा है, और सीरियल्स नेसेसरी है फूड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। इतने बड़े देश में खाना बहुत जरूरी है ताकि हम एक स्वावलंबी देश बने, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे सारे डिटेल हैं, ऐसे कितने परसेंट पे दे रही है, 7% पे दे रही है, और इसको सबवेंट करती है 3, तो 4% हो जाता है। ये 7% पे दे रही है और एडिशनल 3% सबवेंट करती है, तो 4% पे मिल जाता है, जैसा मैंने पहले बताया, ठीक है। तो आप इसी के साथ हमारे साथ बने रहें, जो संभावित प्रश्न होंगे वो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे, और हमें YouTube चैनल पे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में।